हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने ओजोन किचन में। तो आज लाई हूँ मैं सिंधी समाज की फिर से एक नई रेसिपी, माफ़ कीजिएगा एक नहीं दो दो रेसिपी। जी हाँ, चाहे आप इसे लंच में बनाएं चाहे डिनर में, कंप्लीट मील और वो भी झटपट मिनटों में बनने वाले हैं। जी हाँ, ये है सिंधी समाज के बहुत ही फेमस सिंधी भुगा चावल विथ सिंधी साई भाजी, इसे आप चना दाल पालक भी बोल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है। रेसिपी इंग्रेडिएंट्स विद प्रोसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के नाम के साथ में। तो यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम पालक, एकदम साफ धो दिया है इसे मैंने और काट दिया है। 4 से 5 पानी में आपको इसको धोना है, नहीं तो जो सब्जी हम बनाएंगे उसमें किरकिरी भी आ जाती है, कई बार बहुत मिट्टी होती है। तो इसे हमने वॉश करके काट के यहाँ रख दिया है। और इसके अलावा ये है चना दाल, जो कि मैंने लगभग सवा कटोरी, घर की जो नॉर्मल छोटी कटोरी होती है वो सवा कटोरी मैंने इसे आधे घंटे पहले भिगो दिया था। तो आप भी इसे पूरी होल नाइट भी भिगो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको मॉर्निंग में बनाना है, या अगर आफ्टरनून में बनाना है तो आप 1-2 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, ये बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। और यहाँ लिए हैं मैंने बासमती चावल, ये लगभग 1.5 कटोरी लिया है मैंने। कटोरी का साइज़ मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी। इन बासमती चावलों में भी बहुत ज़्यादा वाइटनेस होती है, तो उसे भी हमने अच्छे से वॉश करके रखा है। और यहाँ 2 प्याज लिए हैं मैंने, इसे लंबाई के में काट दिया है, और बाकी 2 प्याज मैंने यहाँ पर रफली चॉप किए हैं। तो अलग अलग 2 प्याज यहाँ लंबाई में और 2 प्याज मैंने रफली चॉप किए हैं। ये हैं बड़े 2 टमाटर जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, और ये है 4 हरी मिर्ची जिसे मैंने इस तरह से चॉप करके रख लिया है। इसके अलावा लिया है हमने ये 9 से 10 लहसुन की कलियां यानी कि गार्लिक, और थोड़ा सा अदरक लिया है लगभग 1/2 इंच का, उसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा लीजिए या ज़्यादा लीजिए, हरे धनिया का क्या है भाई, जितना पसंद है उतना डाल। रेसिपी की शुरुआत करने से पहले मैं वो उस कटोरी का आपको साइज़ दिखा देती हूँ। ये देखिए, घर की नॉर्मल कटोरी है, ये मैंने सवा कटोरी लगभग चना दाल लिया है। ये भी एक सिंधी कल्चर का हिस्सा होता है कि जब भी कोई यमी रेसिपीज में दाल वगैरह डालने का जब टाइम आता है तो 1.5, 2, 3 क्वांटिटी के हिसाब से इसे सवाई के रूप में, यानी कि थोड़ा सा जो है कल्चर का ये हिस्सा ही है। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर सवा कटोरी के आसपास चना दाल लिए, यही हमने मम्मी मासियों और नानी और दादियों से सीखा है। तो चलिए ट्रेडिशनल कल्चर के साथ में शुरुआत करते हैं रेसिपी की, सिंधी साई भाजी। तो यहाँ मैंने कुकर लिया है और गैस का बर्नर ऑन करके 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है और उसमें जीरा डाल दिया है। और अब ये अदरक जो है हमने स्लाइस किया हुआ है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे, वरना जीरा बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा और अदरक जो है उसका फ्लेवर नहीं आ पाएगा। तो मैंने यहाँ पे जीरा और अदरक साथ में डाल दिया है। इसके अलावा जो लहसुन है उसको हमें उसमें से, जो मैंने 4 से 5 हमें कलियां निकालनी है साइज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि आधा हमें पहले लेना है, उसे इस तरह से आप किसी भी हमाम दस्ते में इस तरह थोड़ा क्रश कर लीजिए। गैस की आंच को मैंने तब तक धीमा रखा है, तो जिससे कि हल्का हल्का फ्लेवर जो है अदरक का ऑयल में आ जाएगा और जीरा भी है वो चटक जाएगा। तो चलिए ये हो गया है लहसुन भी हमारा क्रश, इसे भी अब डाल देते हैं। ये देखिए, जीरा पूरी तरह से लाल नहीं हुआ है, हल्का सा चटक गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है हमें। और अब डाल दिया है मैंने यहाँ पर जो रफली चॉप किया हुआ प्याज था वो। अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है, हल्का सा कलर देना है और प्याज को सॉफ्ट करना है। तब तक आप ये चेक कर लीजिए वही कि देख लीजिए कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया या नहीं। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और पास में ही बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही यमी और हर प्रांत और हर समाज की जो है रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए प्याज का कलर आ गया है, लगभग 5 मिनट लगे हैं मुझे इसे भुनने में। और अब मिला रही हूँ मैं हरी मिर्ची, ये मैंने आधी डाली है, यानी कि 4 हमने काटी थी और 2 हमने इसमें यहाँ पर डाली है। साथ में मैं आपको बता दूँ, शायद मैंने यहाँ पर चावल कितने लिए थे वो नहीं बताया है, तो जो मैंने आपको कटोरी दिखाई थी लगभग वो भी मैंने 1.5-1.5 कटोरी के आसपास चावल लिए। तो यहाँ देखिए प्याज का अच्छा जो है हल्का हल्का कलर भी आ गया है और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और चने की दाल का मैंने पानी निकाल कर और उसे भी नीट एंड क्लीन धो के वापस 1-2 पानी में रख दिया है। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर पालक, जो हमने पहले से ही वॉश किया हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने गैस की आंच को धीमा कर दिया है और यहाँ पालक डाल दिया है इस तरह से चारों तरफ फैला। सिंधी कल्चर में चाहे खुशी का कोई मौका हो या प्री प्लान डिनर हो, और ये कॉम्बिनेशन उन डिनर के अंदर ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ देखिए मैंने पालक डाल दिया है, बातें तो होती रहेंगी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। और अब डाल दूँगी मैं ये 2 कटे हुए टमाटर।
जी हाँ, ये टमाटर जो है वो पूरे के पूरे साई भाजी के लिए ही है। तो इस तरह से मैं टमाटर को इस तरह से रखूंगी, आप देखिए कैमरे में मैं दिखा रही हूँ आपको, एक साइड में। इसे मैंने फैलाया नहीं है, ये भी एक सीक्रेट है मेरा, मैं आपको बाद में बताती हूँ। और दूसरी साइड में हमने रख दिया है चना दाल को इस तरह से। ये क्यों रखा है मैंने इस तरह से, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप देखते रहिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो साई भाजी है बनाने का तरीका वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत यम्मी है। आप इसे इसी तरह एक बार बना के देखिएगा। अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पर सूखे मसाले, यानी कि नमक स्वाद अनुसार, और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे मैं बिल्कुल भी घुमाऊंगी नहीं चम्मच की मदद से, बस अब सीधा इसके ऊपर जाएगा 1 ग्लास पानी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा, ये कांच का ग्लास है, ये मैं 1 ग्लास पानी इसमें, क्योंकि जो हमने पालक डाला है उसके अंदर भी पानी होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ढक्कन लगा दिया और 5 से 6 सीटी से लगने के लिए मैंने दूसरी गैस पर शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ मैंने लिया है 1 कढ़ाई, और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं भूगा चावल। और जैसे ही तेल गर्म होता है मैंने यहाँ डाल दिया है 2 तेज पत्ता, इसे मैंने थोड़ा सा क्रश करके इस तरह डाल दिए हैं 4 टुकड़ों में, और 1 छोटी इलायची हरी ली है, जिसे हमें पूरी तरह से नहीं तोड़ना है, बस उसके आगे के जो सिरा होता है उसे मैंने इस तरह खोल दिया है, बिकॉज मुझे सिर्फ चाहिए इसका फ्लेवर और इसके दाने नहीं चाहिए। और थोड़ी सी मैंने दालचीनी डाल दी है, और उसके साथ ही डाल रही हूँ मैं 4 से 5 लौंग, आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा जावित्री, और ये है बड़ी इलायची, जिसके हमें सिर्फ छिलके ही लेने हैं, यानी कि मैं इसका ऊपर का छिलका थोड़ा सा डाल रही हूँ, दानों का इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं। 1 टीस्पून है जो जीरा है, ये डाल दिया है, तो थोड़ा सा अब इन सबको चटकने देते हैं, और इसका जो है ऑयल में पूरे अच्छे से फ्लेवर को आने देते हैं। लगभग 1 मिनट बाद में सारा फ्लेवर आ चुका है गरम मसालों का धीमी आंच पर। तो अब हम यहाँ मिला रहे हैं ये जो हमने लंबाई में प्याज काटा है उस, और अब मैं आपको बता दूं गैस की आंच को मीडियम रखना है, और इसे हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि प्याज का जो है कलर पूरी तरह से गोल्डन ना हो जाए। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्याज को एक ब्राउन गोल्डन कलर देना है, जलाना नहीं है, यानी कि प्याज का कलर जो है ब्लैक नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेडिश होना चाहिए। तो ये देखिए लगभग 7 से 8 मिनट तक मैंने इसे मीडियम आंच पर प्याज को अच्छे से कलर दे दिया, तो ये लगभग हो चुका है। ये देखिए अब गैस की आंच को मैं धीमा कर देती हूँ, और अब हम इसमें जो बची हुई हमारी 2 हरी मिर्ची हैं चॉप की हुई, वो हम इसमें मिला देते हैं। तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, इसे भी अच्छे से हिलाते हुए मिला देते हैं, और थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और इसके बाद हम डाल रहे हैं अब थोड़े से सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है, और नमक का, और इसके अलावा डाल रही हूँ मैं घर का पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये वैसे मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया है, बिल्कुल सही मात्रा में है। तो इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ अब 1 ग्लास पानी, और पानी अभी इसमें और डलेगा, क्योंकि अब जो पानी हमें डालना है वो हमने जो चावल लिया है, तो जितनी भी क्वांटिटी के आप चावल हो उसी क्वांटिटी से प्याज और गरम मसालों का इस्तेमाल करें। और अब यहाँ पर मैंने हमारे चावल की क्वांटिटी के हिसाब से पानी डाल दिया है, और इसे बॉयल होने का इंतज़ार कर, मैंने यहाँ 2.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया था। और अब देखते हैं कुकर की सीटी हमारी ठंडी हुई या नहीं, साई भाजी की नहीं हुई है अभी, तो थोड़ा वेट करते हैं। तब तक जो ये लहसुन की कलियां हैं और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने बचा के रखा था, आपने देखा होगा, बाकी स्लाइस मैंने डाल दिए थे, एक छोटा टुकड़ा मैंने बचा के रखा था। तो यहाँ पर जो लहसुन की कलियां हैं, तो जब तक होती है कुकर की सीटी ठंडी, मैं इसे इस तरह से स्लाइस में हमें काट देना है। तो आधा लहसुन जो है मैंने क्रश करके साई भाजी में पहले डाल दिया है ताकि फ्लेवर आ जाए, और आधा हमें इस तरह से स्लाइस करके रखना है। तो जो मेरे सिंधी समाज के भाई बहन फ्रेंड्स मासियां भाभियां जितने भी हैं, सबसे यही कहूँगी कि इस तरह से एक बार मेरी तरह से साई भाजी बनाकर देखें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ देखिए बातों बातों में जो हमारे भूगे चावल का जो हमने पानी बॉयल करने रखा था मसाला के साथ में, वो बॉयल हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ, और अब बारी है ये हमारे बासमती चावल मिलाने की। तो यहाँ मैंने चावल डाल दिए हैं, और अब इसे हम फिर से ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर चावल जब तक बनते हैं, फिर से देखते हैं कि साई भाजी वाले कुकर की सीटी ठंडी हुई या नहीं। मेरे ख्याल से अब कुकर की सीटी है जो ठंडी हो गई होगी। तो चलिए ढक्कन खोलते हैं, ये देखिए हो गया है। तो ये देखिए ये जो टमाटर एक साइड में, और ये चना दाल को एक बार चेक कर लेते हैं,
ये चना दाल बहुत अच्छी सॉफ्ट है। तो अब हम यहाँ निकाल देंगे एक छोटी कटोरी या छोटा बॉयल चना दाल बाहर एक्स्ट्रा। पूरी तरह से जो है साई भाजी को मैश करने के बाद में इस चना दाल को हमें इसमें मिलाना है, क्योंकि हल्की हल्की सी ये जो बॉईल की हुई अच्छे से वो चना दाल बहुत अच्छी लगेगी। साई भाजी को मैश करने के लिए आप चाहे घर में जो मथनी होती है उसका इस्तेमाल करें या फिर पाव भाजी का जो मैशर होता है, तो यहाँ मैंने पाव भाजी का मैशर और जो हैंड बीटर होता है उसके इस्तेमाल से ये देखिए साई भाजी को पूरा अच्छे से हमने घोट लिया है। और उसके बाद में ये जो चना दाल हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखी थी बॉईल की हुई, इसे मैंने इसमें मिला दिया। ये देखिए लग रही है ना बहुत बढ़िया यमी। अभी बाकी है, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इसे अब शिफ्ट कर रही हूँ, ट्रांसफ़र कर रही हूँ कढ़ाई में अलग से, और देख लेते हैं एक बार चावल वरना वो जल जाएंगे। वाओ व्हाट अ ब्यूटी, भाई लग गई मुझे तो भूख इसे देखकर, कहते हैं ना आप सबको पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो चलिए इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि रेसिपी अगर दिखने में सुंदर होती है तो भूख लग भी जाती है और भूख बढ़ भी जाती है। तो ये जो गरम मसाले हमने डाले हैं, अगर आपको वो दिखाई दे रहे हैं जैसे इलायची के छिलके और जो हमने एक कमल फूल भी डाल दिया था, शायद उस समय मैंने आपको बताना भूल गई हूँ, उसे भी मैंने निकाल दिया है। और थोड़े से हरे धनिए के साथ में धीमी आंच पर अब मैंने चावलों को 5 मिनट के लिए और रखा है, और गैस का बर्नर ऑन करके साई भाजी को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब एक तीसरा गैस मैंने ऑन करके एक छोटा बर्तन तड़के वाला लिया है और उसमें डाल दिया है मैंने 2 टीस्पून तेल। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें जो हमारा स्लाइस किया हुआ लहसुन की कलियाँ हैं वो, और जो हमने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रखा था उसे हम इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। और गैस की आँच को आप देख सकते हैं कि बहुत स्लो है, और जैसे ही ये पूरी तरह से गोल्डन कलर लहसुन का आ जाएगा, मैं यहाँ पर गैस की आंच को जो है बंद कर दूंगी। ये देखिए कलर आ गया है। तो अब हम जो करेंगे गैस को बंद, और ये लिया है मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि बहुत अच्छा कलर देगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर की नॉर्मल लाल मिर्च भी पाउडर आप ले सकते हैं। और अब मिला देंगे इसे हम साई भाजी में। देखिए यहाँ लहसुन का फ्लेवर और आ गया है। और अगर आपको साई भाजी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लगे तो इस तड़के से पहले आप थोड़ा पानी मिला सकते हैं। तो यहाँ साई भाजी रेडी है और वहाँ पर हमारा भुगा सिंधी चावल रेडी है। तो व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, यहाँ हमारे सिंधी भुगा चावल भी रेडी हो चुके हैं, बहुत ही महक आ रही है जो मेरी भूख को बढ़ा रही है। तो रेडी है साई भाजी, थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देते हैं और चावल भी रेडी है। तो देर किस बात की है, तैयारी शुरू करते हैं। पेट की भूख को शांत करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ साथ में पापड़ और हरी मिर्च। तो बस रेडी है ये मेरे अंदाज में ट्रेडिशनल सिंधी अंदाज में सिंधी भुगा चावल और सिंधी साई भाजी। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी और शेयर करना चाहूँगी कि ये रेसिपी मेरी सिस्टर बहुत अच्छी बनाती है, सिंधी साई भाजी और भुगा चावल, तो आज मैंने उसे बहुत याद किया है। तो यहाँ दे रही हूँ मैं बबली को भी मैसेज कि मेरे अंदाज में बना के देखना सिंधी साई भाजी और भुगे चावल, और मुझे रहेगा तेरे कमेंट्स का इंतज़ार। आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मैं जल्दी हाजिर होती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब के लिए गुड बाय।